हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम आए हैं रीवा के पास जो टाइगर सफारी है, हम लोग वहाँ घूमने आए हैं। और हमारे साथ में आपको पिछले ब्लॉग में बनाया कि इसमें हमारे यहाँ बहुत लोग आए हैं, इसीलिए सब लोग को मैं वहाँ घुमाने हैं। मैं तो यहाँ कई बार आई हूँ घूमने, लेकिन मैं वहाँ का आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि क्या क्या है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी हमसे दिखाया जाएगा तो मैं आपको वीडियो बताऊँगी। अगर आप लोग को आना हो तो यहाँ बहुत अच्छा मशहूर टाइगर सफारी हमारे रीवा का है, जहाँ के देश विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। प्लीज़ जो है तो आप लोग भी आइए और देखिए यहाँ का मेरा रीवा का टाइगर सफारी कितना सुंदर है, कितने सुंदर यहाँ के देखते जानवर है, ठीक है ना। तो यहाँ पास अभी छोटा सा बैठने का छाया का बना हुआ है, और इधर से मैं चल रही हूँ अंदर की ओर। और यहाँ पास देख लीजिए, ये बाहर है, मैं अभी लोग बाहर का आपको दिखा रही हूँ। और ये देख लीजिए सब कितना सुंदर लग रहा है। ये है गेट, जो यहाँ से हम लोग पहले तो टिकट वगैरह लेंगे, उसके बाद अंदर एंट्री होगी जाने की। तो यहाँ पास मेरी सोना जो है तो चल रही है मम्मी के साथ में, और प्राची भी हमारी जा रही है। और अब ये लोग पता नहीं क्या करने जाते, टिकट कटवाने जा रहे हैं कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर, पूछती हूँ, देखती हूँ टिकट कितने का, रुपए का है, कितने का नहीं है। और अंदर काफ़ी चलना पड़ता है, अब देखती हूँ कहाँ तक चल पाती हूँ मैं। और इधर देख लीजिए, ये सब पीछे रह गए, यानी बड़ी बेटी मेरी, भांजी भांजी लोग। तो यहाँ पास हम लोग टिकट वगैरह ले लिए हैं, और टिकट कितने की थी तो 20 रुपए की टिकट मिली है। और हम लोग सब लोग घूम लूँ, और कितना सुंदर फ्लावर्स, वाओ, ये तो आप देख ही लीजिए। तो हम लोग सब लोग घूमने आए हैं, और देख लीजिए हमारे यहाँ का ये, जहाँ तक जो भी है मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और बहुत सारे पार्क हैं, पता नहीं मैं पूरा आपको वीडियो शूट करके दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, इसकी गारंटी तो मैं कुछ ले ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंद फ्लावर्स आए हैं, लगता है मैं एक एक गमले उठा के लेके चल जाऊँ, लेकिन संभव नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए वाइट टाइगर जो बैठा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मेरे भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ऊपर से झरना भी गिर रहा है। और तुम बताओ, अच्छा लगा नहीं कि फर्स्ट में गेट बहुत बढ़िया, इसीलिए तो हम भी वीडियो बना रहे हैं। अरे गजब, तो इन लोग को भी बहुत पसंद आ रहा है हमारा रीवा का टाइगर सफारी, और कितना आनंद ले रहे हैं ये लोग, बताइए आप, है ना। तो फाइनली जो है ना, तो आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते रहिए, और ये देखिए कि हम लोग कहाँ घूमने आए। और ये जो बना हुआ है, इसके अंदर बहुत कुछ है, और यहाँ पास कुछ बिकता उकता भी है, कपड़े उपड़े जो भी लेना हो तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना, और ये देख लीजिए हमारे ना सब लोग, जितने लोग आए हैं सब पीक में लगे हुए। ये भाई देखिए, ये मेरे भाई भाई जाएंगे, देखिए क्या पीक है, वाह। तो यहाँ पास इस तरह गाड़ी की व्यवस्था भी है, अगर किसी को गाड़ी से भी जाना हो तो वो जा सकते हैं। और मैं काफ़ी पहले भी आई थी, लेकिन इस तरह नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा, शानदार। अरे भाई, तो इधर साइड शायद अभी पार्क जो है बनने वाला है, इधर साइड अभी शायद नहीं बना हुआ है, ये स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है। और यहाँ पास जो है तो फाइनली बहुत सुंदर लग रहा लुक, अंदर जाने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि है। तो कितना सुंदर शानदार पार्क है, और यहाँ पास पार्क में बैठने के आनंद तो बहुत ही सुंदर लगता है। बाद में घूम के आऊँगी तो दिखाऊँगी। और ये तो फाइनली पहला मैं सुरंग जो बनी हुई है, गेट जो बना हुआ है, मैं यहाँ से घुस रही हूँ। और काफ़ी, अरे 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 देखो, अरे शेर, तो फाइनल कितना सुंदर शेर बैठा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। अरे वो बैठे ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, मत टेंशन लो, वो जानता है कि हम कोई देखने सब आए हैं उतनी दूर से। वो जा रहा। मैं आप लोग को शेर को जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देख लीजिए कितना सुंदर शेर है। नहीं, आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहिए, और बहुत अच्छा था। तो पानी में बैठने जा रहा, ज़्यादा फोटो।
तो ये सब लोग बैठे हुए हैं शेर को देखने के लिए, और आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरी आप लोग को आवाज़ें तक पहुंच रही होगी माइक, बाकी कुछ नहीं मेरे, तो फिर भी थोड़ा सा मैं दिखाई देती हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, मैं भी हूँ। तो अब हम लोग यहाँ से जो है तो निकल चुके हैं पहली गुफा से, और मैं हम लोग जा रही हूँ दूसरी गुफा की ओर, और ये देख ली, और ये देख लीजिए आप लोग की कितनी धूप है, और हमारी सोना इतनी धूप में चल रही है बेचारी। सोना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, धूप में चलना मजा आ रही है ना हर्षी, आपको अच्छा लग रहा? हाँ। आनंद आ रहा धूप में है ना हर्षू, आपको एकदम आनंद? आनंद आ रहा, बिल्कुल आनंद यानी। तो फाइनली हम लोग ना अब दूसरा गेट में घुसने जा रही हूँ, और वहाँ देखती हूँ कि क्या देखने को मिलता है इधर। तो ये देख लीजिए एक दूसरा शेर दिखा जो बैठा हुआ है आराम से, और लगता सो ही रहा है ना, तो कितनी अच्छी बात है। नवरात्र का दिन चल रहा है, अब हम लोग बढ़िया दर्शन कर रहे हैं, और कितनी अच्छी बात। और तीसरा शेर कहाँ गया? वो भी सो रहा है, ये देख लीजिए आप लोग देखे। कंटिन्यू आप हमारी वीडियो में आप बने रहिए, मैं बहुत सारे यहाँ शेर दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मेरा तीसरा शेर दिख रहा है, वो भी सोते हुआ दिख रहा। तो ये हम दूसरा गेट को भी पार कर लिए यहाँ से, और मेरी प्राची भी आ रही है, और हम लोग अभी इधर जाएंगे, अब देख रहे हैं। और यहाँ पास बब्बर शेर दिख रहा, और तीसरी गेट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पास बहुत बड़ी ताज़ा न्यूज़ मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो मैंने बब्बर शेर को देखने आई थी तो वो हो गया गायब। अब ये पता नहीं कि कहाँ गया, नीचे गया है कि ऊपर गया, पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पास तो खाली मैदान ही दिख रहा है आप लोग को, अब देख ही रहे हैं, वो शायद सो रहा होगा, पता नहीं कहाँ, नज़र तो नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं मैं आप लोग को दिखा ही रही हूँ। तो फाइनली जो है ना जिस चीज़ की हम लोग की तलाश थी, तो वो बाघ भी यहाँ पास बैठा हुआ, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देख लीजिए कितना अच्छा वो भी है। तो वो अपने घर में बैठा हुआ आराम से आनंद ले रहा है, इसलिए कि दोपहर का समय है और सभी रेस्ट करते हैं, तो उसकी भी रेस्ट करने का टाइम हो गया होगा। तो फाइनली जो है ना तीसरा जो है ना मैं भी गुफा पार कर चुकी हूँ, और ये निकल चुकी हूँ इधर साइड में, और नदी मिलने वाली है शायद, अब देखते हैं। तो यहाँ पास जो है ना तो छोटी सी मतलब नदी मिल गई है, और कितनी सुंदर नदी है, और बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ की गई कि जाली वाली लगी है, ताकि कोई उसमें गिरे उरे ना, है ना, चौके ओके ना, तो इसीलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अगर किसी को मन भी हो कूदने का तो वो नहीं कूद सकता, है ना, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। अच्छा, अरे गजब, मेरी सोना इतनी दोपहर में भी बेचारी देख लीजिए कितना चल रही है, और अंदर चलना भी कोई मामूली बात नहीं है, खासकर बड़ों लोग के लिए, तो ये तो मेरी बच्ची है। और इधर छोटी मोटी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और बैठने की व्यवस्था है, अगर किसी को कोई थक गया हो तो बहुत अच्छे से बैठ के आनंद दे सकते हैं। कोई थका हो या चैन हो, मैं बता रही, मैं जो जरूर थक गई। ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो सुनिए, ये जो है ना बाघ की आवाज़ है, जो यहाँ सांप का सीन जरूर लगा हुआ है, लेकिन अभी कोई सांप दिख नहीं रहे हैं, कोई यहाँ पास सांप नहीं है अभी फिलहाल है। तो कितनी सुंदर ये देख रही है जो बाउंड्री बनी हुई है, आप लोग को देखने में जरूर लगता होगा कि ये लकड़ी की है, लेकिन लकड़ी की नहीं है बाउंड्री, ये सीमेंट की बाउंड्री बनाई गई है, और कितने सुंदर मिस्त्री लोग ने बनाया है, कितना अच्छा लुक दिया है, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, और इसकी डिजाइन भी बहुत सुंदर लग रही है। पास आप लोग शानदार देख रहे हैं ना, छोटा सा बैठने का व्यवस्था की गई है, और कितना अच्छा व्यवस्था की गई है, अगर किसी को बैठना उठना हो तो यहाँ पास आप लोग जरूर बैठिए और आनंद लीजिए ठंडा ठंडा मौसम। तो ये चौथा नंबर गुफा मिला है, जो अब इसके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है, और सब लोग जा रहे हैं, काफ़ी धूप भी है और थक भी गए हैं। यहाँ पर तेंदुआ चीता है, और कितना सुंदर चल रहा है, ये देख लीजिए आप लोग, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और एक यहाँ पास बैठा हुआ सो रहा है, तो यहाँ पास ना एक छोटा सा और है शायद, है कि वो सो रहा है, और मैं आपको दिखा रही हूँ एक जो पेड़ में बैठा हुआ है यहाँ पास, मैं पेड़ का दिखाती हूँ, पेड़ कहाँ में बैठा है, दिखा क्या आप लोग को पेड़ में, वहाँ देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, और एक पेड़ में बैठा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी यहाँ जानवर है। ये चौथा गुफा हम लोग भी क्रॉस हो गए हैं, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग, और अब देखते हैं कि और क्या क्या देखने को यहाँ मिलता है। सफारी का गेट क्या है?
ये है भालू में हम लोग देखने जा रहे हैं। और पांचवी गुफा जो है ना, ये देख लीजिए जिस तरह गुफा बनी रहती है, और मैं वहाँ हम लोग एंटर यानी अंदर की ओर जा रहे हैं। और हमारी सोना जा चुकी है अंदर, और प्राची हमारी तो एक भी मतलब ये पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही, चलती जा रही एकदम। तो यहाँ पास देख लीजिए जो है ना काला भालू आनंद ले रहा, वो बेचारा सो रहा है गुफा में अपने, देख ही नहीं रहा कि बाहर उठे तो उसको मैं टहलते हुए चलते हुए देखूं, लेकिन और ये लोग भालू को ना जगाने के लिए कितना कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं देख लीजिए, तो फिर भी नहीं उठ रहा। अरे एक बार आ जा। अरे लग रहा है कि इनके बातों में कुछ दम है, लगता है वो थोड़ी सी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तो फाइनली इन लोग की बातों में दम था जो है ना, तो एक को तो बाहर निकाल के ही दम तोड़े। ये देख लीजिए आप लोग, अरे भाग रहा है कितना शानदार लग रहा है आपको। अबे खाना दे के ना बुला रहे, कहीं बुला रहे ये इसको। अरे क्या सेल्फी में सब लोग हमारे यहाँ एकदम घुसे जा रहे हैं एकदम सेल्फी में। और इलाहाबाद से जो आए हैं तो वो तो कुछ ज़्यादा ही सेल्फी में घुसे जा रहे हैं। आप लोग देखिए तो इन लोग का, इस गुफा में तो सब चीज़ सूखे है। तो ये है जंगली बिल्ली जो आराम से बैठे सो रहे हैं लगता है। ये देखो ये लेटी है ये। अरे कुछ करिए कि वो हर आदमी है ना, इसलिए कुत्ते का बच्चा। और इधर जहाँ हम लोग चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धूप चल रही है, और इधर सब जो है ना तो खुले हुए जाली वगैरह लगी जो भी है, लेकिन लुक बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए आप लोग जो भी बना हुआ है यहाँ, तो सब चीज़ अच्छा बना हुआ है। तो आप जो भी है ना तो यहाँ देखना, अगर रीवा अगर आप लोग आ रहे हैं तो ज़रूर टाइगर सफारी को देखिए, आप ज़रूर देखिए, बहुत शानदार लगता है। और ये जो फ्लावर्स आप लोग को दिखा नहीं है तो मैं भी लगाई हूँ इसको, फ्लावर्स बताई दे रही हूँ। सो रहा है, सब सो रहे हैं दीदी। कैसे सो रहा है ये देखिए, जाग जा, एक बार जाग जा, जागो पापा, जाग जा, ये पापा कौन सा। और ये चारों तरफ जंगल आपको सब दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ, और खूब सुंदर शानदार दिखेगा। उन लोग को देखो, अरे ये भाई सीगट है, ये हम नाम ये सियार है जो रात के गांव में बोलता है ना, वही ये सियार है यहाँ पास जो है तो टहल रही है, कितना सुंदर बढ़िया। अभी जंप भी की थी मैंने, उसका पिक नहीं ले पाई इसमें। ये है लोमड़ी, थोड़ा बहुत डॉग तो लग रही है, लोमड़ी कितने सारे हैं, बहुत दिमाग है लेकिन इसके। तो देखिए दोस्तों, मैं बोल के जो है तो थक चुकी हैं, तब पानी पी रही हैं। कहीं चलो पिकनिक टूर में और इस तरह पानी पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो इस तरह पानी नहीं पी नहीं सकता, लेकिन इस तरह ले के पानी पीने ले कहाँ गई है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पास भी बहुत शानदार गुफा है जो शायद कि शायद मैं गिनती तो नहीं भूल गई, सातवां गुफा में मैं एंट्री कर रही हूँ अंदर ही गए, अगर भूल चूक हो गई होगी तो गलती क्षमा करें भैया, क्या कि धूप की वजह से ना कुछ चीज़ भूल भी जा रही हूँ। और यहाँ पास अब सेल्फी के चक्कर में वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पास जो मैंने गुफा के अंदर देखी, तो यहाँ पास देख लीजिए आप लोग की हिरण बैठे हुए हैं, काफ़ी शानदार बहुत सारे हिरण बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पास ये बरसिंगा जानवर जो हैं तो यहाँ पास बहुत सारे बैठे हुए देख लीजिए आप लोग, और शानदार बढ़िया शांति से आराम कर रहे हैं। और एक ये बड़ा बरसिंगा यहाँ पास बैठा है, ये देख लीजिए उसके सींग वगैरह कितनी सुंदर है, और काश वो चलता तो मैं आप लोग को और अच्छे से दिखाती। तो ये लोग कितना ऊपर चढ़ चढ़ के आनंद ले रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कितना सुंदर मजा ले रहे हैं आप लोग को, ये देखिए।
ऐसे लोग चढ़ जाओ, दोनों लोग चढ़ जाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो ना जल्दी से। अरे तो गेट पार्किंग वाले बन गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो ये अब लगता है सातवीं गुफा हम लोग एंट्री कर रहे हैं, पता नहीं। तो यहाँ भी एक पार्क में काफी शायद हिरण ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है ना, तो व्हाइट हिरण जो है शायद ये घूम रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, छोटे छोटे हैं कितने है ही है, और ये जूम करके दिखा रही हूँ कि कितने सुंदर लग रहे हैं। व्हाइट वाला तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए काफी है। तो यहाँ पास देख लीजिए कितना शानदार लुक है, और हमारी बिटिया रानी कैसे लग रही है चश्मा उश्मा में, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि हमारी बड़ी बेटी शानदार लग रही है कि नहीं, लगा के पोज दे रही है। और इधर देख लीजिए जीजा साली जो है ना आनंद ले रहे हैं, एकदम सेल्फी एकदम जोरदार चल रही है, वाह वाह क्या बात है। मेरी बिटिया मुरझाए सब देख रही, क्या कर सकती है बेचारी, सेल्फी का मौका मिल नहीं रहा, सब अपने में बिजी है। और यहाँ पास शानदार अच्छी बात ये है कि जो गुफा है तो यानी तीन रास्ते एक साथ है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये तीसरा इधर साइड भी निकलता है। तो ये गुफा जो है और कितना शानदार है, बहुत शानदार लुक दिया गया है। यहाँ पास भी शानदार हिरण बैठे, यानी कोई भी ऐसा मतलब जो ग्राउंड है तो खाली नहीं है, एक दो अभी जो नए बने हैं तो बात की बात है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं और सब टहल रहे हैं। ये भी नौमा उमा सकता है शायद, मैं गुफा घुस रही हूँ, और सभी गुफा घुसते घुसते मेरी हालत ख़राब हो गई है। कितना मैं आप लोग को वीडियो शूट करके दिखाने की कोशिश करती, फिर भी आप लोग ने लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल नहीं बताते हैं, और न मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब भी करता है, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता है। तो ये देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर जानवर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, कितनी दूर से आई हूँ बताइए, दिखाने के लिए आप लोग को शूट करके पूरा वीडियो आप लोग को तक पहुँचाती हूँ। नौवा दसवा जो भी हो, ये दसवा गुफा घुस रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ गुफा है, शायद एक हो सकता है कि कोई कुछ हमसे गुफा छूटा है, तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर टाइगर सफारी देखना है तो फाइनली जो है तो आके यहाँ देखें और यहाँ का आनंद लीजिए आप लोग, और बहुत शानदार है। और यहाँ पास भी देख लीजिए काफ़ी चीज़ें, यानी सबसे ज़्यादा हिरण उरण बहुत ज़्यादा दिखते हैं जंगल में, तो यहाँ हर जगह जहाँ देखेंगे तो वही 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 दिखते, और साथ में यहाँ बंदर भी दिख गए, वाह। ये देख लीजिए बंदर भी बैठे आनंद ले रहे हैं यहाँ पास भी, तो बंदर तो हर जगह रहते हैं। यहाँ पास एक विश्राम घर जो दिखा है तो ये मुझे खाली दिखा, तो मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ कि यहाँ पास बैठ के हम भी थोड़ी सी आनंद वानंद ले लेती हूँ, इसलिए कि काफ़ी बहुत चल चल के बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पास देख लीजिए शानदार गाड़ी कैसे चल रही, कितने रंग बिरंगे गाड़ी चल रही है, लेकिन हम लोग गाड़ी का आनंद इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो पैदल चलने में यहाँ मज़ा है वो गाड़ी में चल के नहीं, इसीलिए तो हम लोग पैदल की यात्रा, भले पैर दुख जाए लेकिन पैदल ही चलना है। तो कितने शानदार यहाँ पास जानवर बैठे हुए हैं, और कितना अच्छे से बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। ये देखो कितने पास में आप लोग को दिखा रही हूँ, और बहुत सुंदर। हेलो, ओए इधर देखो, हेलो, अरे हाय होए तो कर दो तुम लोग, इतनी दूर से वीडियो बनाने आई हूँ तुम्हारे लिए, हेलो तो कर दो भैया। ये कान ओन उठा के बड़ा नजरे घुमा के देख रहा मोबाइल की तरफ, शायद हो सकता है कि इसका मन हाय करने को बोल रहा, तो उसकी नज़र काफ़ी और है, देख लीजिए आप लोग, वाओ बाय।
इधर मेरे भांजे को देख लीजिए, जो कितना अच्छा मतलब पेड़ में चढ़ के आनंद ले रहा है, उसको मजा आ रहा है और फुल एंजॉय कर रहा है, करिए टाइगर सफारी में जंगल के साथ मजे ले रहा है, ये देख लिए, वाह 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 वाह। तो अब इधर हम काफ़ी जानवरों को मैंने आप लोग को दिखा दी और काफ़ी हम लोग का टाइम जो है ना ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा अब हम लोग को जाना होगा। तो काफ़ी बहुत सारे ऐसे पार्क है, बहुत सारे शायद जानवर हैं कि जहाँ मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए अगर आप लोग को देखना है तो रीवा आइए, और रीवा से ज़्यादा नहीं 13 किलोमीटर है टाइगर सफारी ही, तो आप यहाँ आके ज़रूर देखिए और यहाँ के जानवरों को देखिए कितने अच्छे लगते हैं। अपने रीवा में नया विकास हुआ है और बहुत अच्छा है, यहाँ देश विदेश तक के लोग आते हैं देखने के लिए। तो फाइनली शायद ये लास्ट गुफा है, अब इस गुफा के अंदर हम लोग घुसते हैं कि इसके अंदर है क्या, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पास एक बहुत बड़ा पक्षी यानी शुतुरमुर्ग बोलते हैं ना इसको शायद, और शुतुरमुर्गा, और कितना बड़ा, अरे मुर्ग मतलब मुर्ग, वाह कितना अच्छा लग रहा, वाह चोंच खोल के बैठा हुआ है कि जैसे बात कर रहा हो। तो आप लोग देख लीजिए, खासकर मेरे इस मुर्गी के लिए, शुतुर मुर्गी के लिए आप लोग जो है ना तो लाइक शेयर जरूर कर। अंडा देने वाली चिड़िया, वाह सही में देती है, सही में देती, हाँ। तो इन्होंने बताया है कि सबसे बड़ा अंडा जो है तो ये मुर्गी देती है, इतना बड़ा। तो अब इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, सर्च करके। तो ये बैठ रही है, बेचारी थक गई सबको पोज देते देते। तो अभी हमारी यहाँ पास लास्ट वीडियो होगी और अब हम लोग जो हैं तो अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो फाइनली जो है ना, तो आज अपना टाइगर सफारी का जो भी था यहाँ तो मैं दिखा दी, काफ़ी चीज़ें नहीं दिखाई है। जो वाइट टाइगर रहता है जहाँ, तो वो बहुत दूर है, वहाँ तक दूसरे वाहन से जाना पड़ता है और समय ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं वहाँ का नहीं दिखा रही। आप लोग को देखना है तो यहाँ आके आप लोग देखिए, और बहुत शानदार हमारा टाइगर सफारी है और बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज, बाय।